ज्वाला सर, आप छह सूत्रों के बारे में बात करना चाहते थे, ये छह सूत्र होते क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। और हर इंसान अपने ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता है या कुछ करना चाहता है, तो उसको क्या बनना है या क्या करना है वो तो उसकी सोच से आता है। और सोच भी हमारे आसपास जो भी हम चीज़ें देखते हैं, जैसे आप टेलीविज़न देखते हो या कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो या आप अपने स्कूल की किताबों में पढ़ते हो या अपने आसपास के लोगों को देखते हो, तो आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में वो घूमता है और उसमें से कुछ चीज़ें आपको बहुत ही आकर्षित करती हैं और उसी आकर्षण में आप कुछ ना कुछ सोचते हो कि मुझे ये बनना है। बहुत बार वो आकर्षण आपका नहीं, आपके पेरेंट्स का हो सकता है, आपके चाहने वालों का हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस करती हैं और आपको ये एक चीज़ उसमें से करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, किसी के पेरेंट्स बोलते हैं आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है और वहाँ से आप उस तरफ खींचते चले जाते हो। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, जिसने भी, आप सब लोग ने भी महसूस किया होगा। तो जब हम कोई एक चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं कि हमको अभी इस क्षेत्र में जाना है, तो उसको हम अपना लक्ष्य समझने लगते हैं या गोल, हिंदी में गोल बोलते हैं, गोल समझने लगते हैं, और वहाँ से आपकी एक जर्नी शुरू होती है, आपकी यात्रा शुरू होती है टूवर्ड्स अचीविंग दैट, मतलब वो हासिल करने के तरफ। तो जब आप कोई एक गोल सेट कर लेते हो, तो गोल एक आपका, गोल कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप पहुँचने के बाद खुश हो जाओगे। कोई भी चीज़ जब हम सोचते हैं और हो जाती है, तो हम वापस एक शून्य की तरफ, शून्य हो जाते हैं। और शून्य ही रियलिटी है हमारे जीवन का, कि अंत ही रियलिटी है। तो जब आप कोई लक्ष्य बनाते हो और उसको हासिल कर लेते हो, तो वापस आप शून्य पे आ जाते हैं। तो हर गोल के बाद हम, या हर लक्ष्य के बाद हम शून्य को प्राप्त करते हैं। तो जब आप किसी लक्ष्य को आपने चुन लिया, तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि लक्ष्य को चुनने के बाद आपको उसकी योजना बनानी चाहिए कि इस चीज़ को मैंने चुना है तो मैं किस तरीके से इस चीज़ को करूँगा। तो योजना बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना योजना के आप कोई भी डायरेक्शन में या कोई भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, या कोई दिशा में नहीं जा सकते हो। तो एक बार आपको बैठना चाहिए, आपको प्लान करना चाहिए, प्लानिंग में आपको देखना चाहिए, योजना बनाना, मतलब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाते हैं, तो प्लानिंग में हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि हमारे पास आज क्या है, हम किसके साथ चलेंगे, हमारा मेंटोर कौन होगा, हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो हमको वहाँ तक पहुँचाएंगे, हमारे पास वक्त कितना है। तो ये सब प्लानिंग का पार्ट है। प्लानिंग के बाद फिर आपका जो अगला, जो अगली चीज़ आपको करनी होती है, वो होती है कि आपका एक्शन लेना। गोल के बाद आपने प्लानिंग किया, प्लानिंग के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप उस चीज़ को निरंतरता से करते रहो, एक्शन लेते रहो, लगातार एक्शन लेते रहो। और एक्शन लेना मतलब जो आपने प्लानिंग किया है उसी को आप जब आप करने लगते हो, तो उसको हम एक्शन बोलते हैं। फिर आपको एक्शन पे ध्यान देना है, एक्शन मतलब जो भी आप योजना बना रहे हो उसको करते रहना है। फिर आपको कुछ ना कुछ समय के बाद आपके पास ज्ञान होगा कि आपने जो गोल निर्धारित किया है या जिस दिशा में आप जाना चाहते हो, और उसके बाद जो आपने योजना बनाई है और उसके बाद जो आप एक्शन ले रहे हो, वो कैसे हो रहा है, मतलब वो आपको डायरेक्शन में ले जा रहा है, आपकी गोल की तरफ ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है। तो आपको हर बार कुछ वक्त के बाद, उस एक्शन के बाद आपको रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू मतलब आपको अपने आप को फिर से चेक करना चाहिए कि मेरा कैसे हो रहा है, मतलब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो भी एक्शन ले रहे हो वो टेम्परेरली रिजल्ट्स रिव्यू के पहले मैं रिजल्ट बोलूँगा कि जो आप कर रहे हो एक्शन का, उसका रिएक्शन क्या रहा है, मतलब रिजल्ट्स क्या रहा है। फिर रिजल्ट्स देखने के बाद आपको रिव्यू करते रहे। जैसे आपने कोई एक साल का प्लान बनाया, तो हर दो महीने या तीन महीने के बाद, जब एक्शन लेने के बाद, आपको देखना है कि आपका रिव्यू प्रोसेस आना चाहिए कि आप जो कर रहे हो उसमें आप कितने हद तक सही कर रहे हो या सही नहीं कर रहे हो। और रिव्यू के बाद फिर से आपको देखना है कि उसके अंदर क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है। तो जब आप रिव्यू करते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है कि जो आपके एक्शंस थे वो टूवर्ड डायरेक्शन है कि नहीं। फिर रिव्यू करने के बाद वापस आप आ जाते हो निरंतरता की तरह,
कि आप उसको रिपीट करते हो कि आपने वापस से वही चीज़ जो भी चीज़ उसमें से सही लगी उसको आप करने लगे, और जो चीज़ आपको सही नहीं लगी उसको आपने छोड़ दिया, और फिर से कंसिस्टेंटली उस चीज़ को रिपीट कर रहे हो बार 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 बार। फिर सफल होने का सबसे बड़ा मंत्र है कि आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है, आप उसको कितनी बार रिपीट कर रहे हो। और मैंने बताया रिव्यू में आप उसको चेक करोगे कि कैसे रिपीट कर रहे हो। तो अगर आप उसको बार बार करते रहोगे तो एक दिन आप ज़रूर आपके लक्ष्य की तरफ पहुँच जाओगे। और लक्ष्य की तरफ लक्ष्य पाना या कोई डायरेक्शन में चलना, ये दोनों एक ही चीज़ है। और अगर आप किसी चीज़ को इस तरीके से करोगे तो आप ज़रूर उसमें महारत हासिल कर लोगे या मास्टर हो जाओगे। और एक बार आप मास्टर हो जाओगे तो आप फिर उस चीज़ में सफलता पालोगे। तो आई थिंक ये 6 मंत्रास जो मैंने बात किए, वो जो भी मंत्रास थे मैंने, ये बहुत ही कामयाबी के बहुत ही फॉर्मूले हैं। और चूँकि मैं ये जो भी चीज़ें बोलता हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, तो आपका भी एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली आप अपने अपनी टाइम और एनर्जी को ऑर्गेनाइज करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।